हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज तुम्हें बात करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आधार यूपीआई के बारे में, क्योंकि इस मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यूजर्स ऐसे हैं जो कि मेरे पास बार बार कमेंट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधार यूपीआई ऑप्शन आ गया है कि नया। क्योंकि गाइस बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधार कार्ड यूपीआई ऑप्शन आ चुका है। तो फाइनली आज के समय हम आपको बताने वाले कि अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधार पे ऑप्शन इस तरीके से आया है कि नहीं आया। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले हैं। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलेगा पता करना है कि आपके एसबीआई बैंक में मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधार पे ऑप्शन आया है कि नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक आना है। बैंक आने के बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में आपको सिंपली सर्च पे क्लिक करना है। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद में आपको वहां पे भीम एप्लीकेशन आपको टाइप कर देना। जैसे आप भीम एप्लीकेशन यूपीआई सर्च करेंगे उसके बाद में गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में आपको सिंपली ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ओपन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद में गाइस अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से अपना पासवर्ड इंटर कर देना। पासवर्ड इंटर करने के बाद में गाइस अब आपके सामने इसका डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में गाइस अब आपको अपने बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपने बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में गाइस आपके भीम एप्लीकेशन में आपका जो भी बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे गाइस मेरे भीम एप्लीकेशन में यहाँ पे तीन बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं केनरा बैंक और यहाँ पे बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना है कि आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधार यूपीआई ऑप्शन आया है कि नहीं आया। तो आप कैसे चेक करेंगे, अगर गाइस आपकी भीम एप्लीकेशन में आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिंक नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली सर्च बार पे क्लिक करना। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे टाइप कर देना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप टाइप करेंगे उसके बाद में फर्स्ट नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इस बैंक को अपने इसे भीम एप्लीकेशन में ऐड कर लेना। तो गाइस मेरा ऑलरेडी बैंक अकाउंट ऐड है तो हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में गाइस हम अपनी इस बैंक पे टाइप करेंगे। बैंक पे टाइप करने के बाद में गाइस अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट यूपीआई पिन का। तो आपको फॉरगेट यूपीआई पिन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे आप ऐसे फॉरगेट यूपीआई पिन पे आप क्लिक कर देंगे तो देखते गाइस अब आपके सामने इस तरह का डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे सेट यूपीआई पिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर डेबिट कार्ड नंबर और यहाँ पे आपको क्या कह रहा है एक्सपायरी डेट। तो गाइस अगर आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधार यूपीआई ऑप्शन आता है तो गाइस आपको वहाँ पे लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर का ऑप्शन नहीं आएगा, वहाँ पे केवल डेबिट कार्ड और आपको आधार नंबर का ऑप्शन आएगा। अगर आपकी अगर गाइस आपकी स्टेट बैंक तो गाइस अगर आप चेक कर रहे हैं भीम एप्लीकेशन से अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर इस तरीके से ऑप्शंस आ रहा है तो गाइस आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी आधार कार्ड पे जो ऑप्शंस है अभी नहीं आया। तो गाइस आपको अगर इस तरीके से ऑप्शंस हो रहा है तो गाइस आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधार पे जो ऑप्शंस है आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर इस तरीके से ऑप्शंस हो रहा है तो आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधार पे ऑप्शंस आ चुका है। अगर इस तरीके से ऑप्शंस हो रहा है तो गाइस आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधार पे ऑप्शंस अभी नहीं आया है। तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार चेक करना पड़ेगा अगर गाइस आपकी स्टेट बैंक ऑफ तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार चेक करना पड़ेगा अगर आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधार पे ऑप्शन आता है तो वहाँ पे गाइस जैसे वहाँ पे आपको बताएं स्टार्टिंग में उस तरीके से ऑप्शन वहाँ पे शो होने लगेगा। तो गाइस अगर आता है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो गाइस आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू बात कर सकते हैं, जो कि उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।